ऊपर है, अभी दिखाती हूँ। ये है सरिता, ये झाड़ू लगा रही है, देखिए। और ये चाची है, अभी पानी भर रही है, अभी नाश्ता बनाया है इनने, बाकी रोटी और बनानी है अभी। और ये भुवन है, ये नहाने जा रहा है। और ये हेम पनीर है, मम्मी वहाँ कपड़े धो रही है। और हमारा हार्दिक यहाँ नहा धो के रेडी हुआ है। हेलो गाइस बोलो। पूरी दोनों भाई की लड़ाई, हार्दिक ने लगा दिया हेमू के नाक में इतना बड़ा नाखून, और हेमू के नाक में से आ रहा है यहाँ पर खून, और अब हेमू हार्दिक को परेशान कर रही है। हार्दिक को घुसा रहा है, तो सूटी पे निकाल रहा है, हेमू पे तो निकाल नहीं पा रहा। तो ये पीसी हुई दाल रखने के लिए ये मुझसे थाली मांगी गई, और ये परात में रखे थे, पता नहीं काई की दाल है ये। ये मैंने पूरी अचार के डिब्बे के ऊपर रखने लगी, मेरा हाथ लगा और ये पूरी दाल नीचे गिर गई, पूरे दाने दाने हो गए, सब नीचे गिर गए। अब मुझे उठाना पड़ेगा, मैंने अपने के लिए डबल काम बढ़ा दिया। ये ऐसे पूरे टोकरी में गिर चुका है, अब मुझे इसे उठाना पड़ेगा।
इतनी अच्छी है कि मेरी डांटी नहीं बच्चों को, सबसे क्यों डांटती है, लेकिन तो ये दिखा रही है कैसे हो जा रही है, आप देख सकते हैं ऐसा तो इतने तो और दबा होते हैं वो काट देते हैं। तो इसमें एक माल आ चुका है और हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, जब ये हमारी दाल बन जाएगी फिर हम इसमें इस चम्मच में हम तेल गरम करेंगे सरसों का, और जब हमारा तेल गरम हो जाएगा हम उस तेल में डालेंगे ये लहसुन और इसमें ऊपर से तड़का लगाएंगे, तो फिर हमारी दाल एकदम बन के रेडी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा लिख रहे हो आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, गुड। किसने बनाई? मैंने। खुद बना लेती है? तो हार्दिक काम कर रहा है और हिमानी इसको बुलाने आ गई कि क्या कहते हैं कार्तिक भैया का बर्थडे है चलो करके, तो हार्दिक का अभी एक लाइन रह गई है पूरा कर रहे हैं। अब ये पहले इसका काम करने का मन नहीं था और इससे बोला कि तू जल्दी काम कर, फिर उसके बाद कार्तिक भैया के बर्थडे में जाएंगे, तो ये इसके फटाफट हाथ चलने लग गए। और ये स्वीटी हिमानी को प्यार कर रही है और हिमानी से कह रही कि खेल करके, क्योंकि इसका खेलने का मन है, और हार्दिक तो काम कर रहा है तो इसीलिए हिमानी आई है और स्वीटी कह रही है मेरे साथ खेलो करके। स्वीटी देख रही है कि आजकल का मेरे साथ खेलने वाला कहाँ गया, हर्षित जो अपनी नानी के यहाँ गया है, और तो आजकल का इसके साथ कोई नहीं खेलने के लिए, तो हार्दिक इसके यहाँ खेलता रहता है, इसको मारता रहता है और इसको परेशान करता रहता है। अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर हो रखा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अब अंधेरा होने लग गया है, लाइट जल चुकी है सभी घरों की और आसमान में हल्के हल्के बादल हैं और कहीं कहीं पे स्टार भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।